जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार क्राउड। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पिछले महीने अक्टूबर 2022 की टॉप सेलिंग सेवन सीटर एसयूवी के बारे में। वो कौन कौन सी सेवन सीटर हैं जो अक्टूबर 2022 में सबसे ज्यादा बिकी हैं। आज हम आपको उनकी सेल्स के साथ नवंबर 2022 में उनकी करंट एक्स शोरूम प्राइसेज भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आप लोग कोई सेवन सीटर एसयूवी लेना चाहते हो और जानना चाहते हो इस समय इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेवन सीटर एसयूवी और एमयूवी कौन कौन सी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए, टॉप सेलिंग सेवन सीटर एसयूवी की लिस्ट में 13th पोजीशन पे आई है एमजी की हेक्टर। एमजी हेक्टर की सेल्स काफी डाउन हुई है इस महीने। ये हो सकता है इसलिए हुई हो कि उसका फेसलिफ्ट आने वाला है। अब देखते हैं फेसलिफ्ट आने के बाद ये कैसा परफॉर्म करेगी। जब से लॉन्च हुई है ये, तब से लेकर अभी तक ये अपने सेगमेंट में कभी किसी गाड़ी को कॉम्पिटिशन दे ही नहीं पाई। एक्सयूवी 700 की तरह इसमें भी 5 और 7 सीटर दो वर्जन आते हैं, लेकिन कमाल कोई भी नहीं कर पाता। हेक्टर की इस महीने 1630 यूनिट्स बिकी हैं। ये भी हेक्टर और हेक्टर प्लस दोनों को मिला के सेल्स हुई है इतनी। ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में आती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है इसमें पेट्रोल इंजन के साथ, और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है इसके डीजल इंजन के साथ। हेक्टर के 5 सीटर वेरिएंट की एक्सशोरूम प्राइस शुरू होती है 14,42,000 से और जाती है 20,60,000 तक। और दूसरा जो इसका 7 सीटर वेरिएंट हेक्टर प्लस है, उसकी एक्सशोरूम प्राइस है 14,93,000 से लेके 21,19,000 तक। 12th पोजीशन पे यही है टाटा सफारी। सफारी का भी फेसलिफ्ट आने वाला है, इसका और हैरियर दोनों का फेसलिफ्ट आएगा अगले साल। 1751 यूनिट्स बिकी हैं टाटा सफारी की इस महीने अक्टूबर के अंदर। 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है ये 2.0 लीटर डीजल इंजन के साथ। एक्सशोरूम प्राइस शुरू होती है 15,35,000 से और जाती है 23,56,000 तक। नंबर 11 पे टोयोटा फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर की इस महीने 2031 यूनिट्स बिकी हैं। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है। एक्सशोरूम प्राइस 32,58,000 से शुरू होती है और 50,34,000 तक जाती है। नंबर 10 पे आई है हुंडई अल्काज़ार। अल्काज़ार एक प्रीमियम सेवन सीटर है। फीचर्स भी काफी बढ़िया मिल जाते हैं, लेकिन सेल्स उतनी नहीं हो पाती जितनी की इसकी होनी चाहिए थी। ये भाई एक बढ़िया एग्जांपल है कि सिर्फ फीचर्स ही सब कुछ नहीं होते, गाड़ी का लुक भी कुछ मैटर करता है। अब हुंडई वाले इसका भी फेसलिफ्ट लेके आने वाले हैं। हो सकता है अगले साल उसे लॉन्च कर दें, उसमें वो इसका लुक बढ़िया कर दें तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका भी वैसा ही हाल होगा जिसका इसकी इस जनरेशन का हुआ है। जिस प्राइस में ये गाड़ी आती है उसमें ये इससे कहीं ज्यादा सेल्स डिजर्व करती थी। बात करें अक्टूबर 2022 की, तो इस महीने 2847 यूनिट्स बिकी हैं। 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है ये पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ। एक्सशोरूम प्राइस शुरू होती है 15,90,000 से और जाती है 20,25,000 तक। नंबर 9 पे आई है मारुति सुजुकी XL6। XL6 एक प्रीमियम सेगमेंट की एमयूवी है जो 6 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आती है। मारुति XL6 में इस महीने सीएनजी वेरिएंट को भी लॉन्च कर दिया है, तो हो सकता है ये अगले महीने इस लिस्ट में आपको ऊपर देखने को मिले। इस महीने XL6 की 3,061 यूनिट्स बिकी हैं। ये आपको पेट्रोल और सीएनजी में मिल जाती है। एक्सशोरूम प्राइस शुरू होती है 11,29,000 से और जाती है 14,55,000 तक। नंबर 8 पे आई है रेनो ट्राइबर। ट्राइबर की इस महीने 3,199 यूनिट्स बिकी हैं। ये आपको सिर्फ पेट्रोल में ही मिलती है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। एक्सशोरूम प्राइस 5,90,000 से शुरू हो जाती है, जो टॉप मॉडल तक जाती है 8,51,000। आगे इस लिस्ट में नंबर 7 पे आई है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। इनोवा में अब डीजल इंजन आना बंद हो गया, या कहें कि अभी डीजल इंजन की बिक्री रोक रखी है, तो उस चीज का इंपैक्ट हुआ है इसकी इस महीने की सेल्स पर। इस वजह से इसकी सेल्स पिछले महीने के मुकाबले आधी भी नहीं हुई। सिर्फ 3,739 यूनिट्स बिकी हैं इस महीने इनोवा की। वहीं पे हम पिछले महीने सितंबर की इसकी सेल्स फिगर को देखें तो सितंबर 2022 में इसकी 7,282 यूनिट्स बिकी थी। इसका जो हाइब्रिड वेरिएंट है इनोवा हाईक्रॉस, वो लॉन्च होने वाला है। उसके बाद हो सकता है ये आपको केवल पेट्रोल और हाइब्रिड में ही मिले। हो सकता है डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू ही कर दिया जाए इनोवा से। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो वो शुरू होती है 18,08,000 से और जाती है 26,76,000 तक। नंबर 6 पे आई है मेरी पर्सनल फेवरेट किया कैरेंस। ये एक प्रीमियम एमयूवी है जो 6 और 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आती है। इसके बेस मॉडल से ही आपको काफी बढ़िया प्रीमियम और प्रैक्टिकल फीचर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। कैरेंस की इस महीने अक्टूबर 2022 में 5,479 यूनिट्स बिकी हैं। ये आपको पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मिल जाती है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। एक्सशोरूम प्राइस 9,59,000 से शुरू होती है और 17,70,000 तक जाती है। नंबर 5 पे आई है महिंद्रा एक्सयूवी 700। 5,815 यूनिट्स बिकी हैं एक्सयूवी 700 की अक्टूबर 2022 के अंदर। 5 और 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आती है ये पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ। एक्सशोरूम प्राइस 13,45,000 से शुरू होती है और 24,95,000 तक जाती है। फोर्थ पोजीशन पे आई है महिंद्रा स्कॉर्पियो। 7,438 यूनिट्स बिकी हैं इस महीने स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों को मिला के। स्कॉर्पियो की बिक्री भी इस महीने सितंबर के मुकाबले कम हुई है। ये कम क्यों हुई है इसका कारण तो पता नहीं, पर पिछले महीने ये 9,536 यूनिट्स के साथ इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे आई थी। एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो स्कॉर्पियो क्लासिक की एक्सशोरूम प्राइस 11,99,000 से शुरू हो जाती है और 15,49,000 तक जाती है। स्कॉर्पियो एन की एक्सशोरूम प्राइस भी शुरू तो 11,99,000 से ही होती है, पर जाती वो
23,90,000 तक है। नंबर तीन पे आई है अपनी देसी महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो। 8,772 यूनिट्स बिकी हैं बोलेरो और बोलेरो नियो की पिछले महीने अक्टूबर के अंदर। लास्ट मंथ से देखें तो इसकी बिक्री भी बढ़ी है, पर स्कॉर्पियो की पता नहीं क्यों कम हुई है। बोलेरो में फीचर्स भी ज्यादा नहीं मिलते पर बिक्री फिर भी अच्छी हो जाती है। सिर्फ डीजल में ही आती है ये, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। एक्शन प्राइस बोलेरो की शुरू होती है 9,53,000 से और जाती है 10,48,000 तक। बोलेरो नियो की एक्शन प्राइस शुरू होती है 9,48,000 से और 11,99,000 तक जाती है। सेकंड पोजीशन पे आई है मारुति सुजुकी इको। 8,861 यूनिट्स बिकी है मारुति इको की इस महीने अक्टूबर के अंदर। ये आपको पेट्रोल और सीएनजी में मिल जाती है सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। एक्शोरूम प्राइस 4,63,000 से शुरू होती है और 5,94,000 तक जाती है। और अब दोस्तों बात करते हैं नंबर वन की, तो टॉप सेलिंग सेवन सीटर कार्स इन अक्टूबर 2022 की इस लिस्ट में नंबर वन पे आई है मारुति सुजुकी अर्टिगा। 10,494 यूनिट्स बिकी है मारुति सुजुकी अर्टिगा की अक्टूबर 2022 के अंदर। ये आपको पेट्रोल और सीएनजी में मिल जाती है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है 8,35,000 से और जाती है 12,79,000 तक। तो यही थी यार अक्टूबर 2022 में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेवन सीटर एसयूवी। अब आप कमेंट करके बताना कि इनमें से वो कौन सी गाड़ी है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए यार मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।